नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब। हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। मशहूर पंजाबी गायक सिंगा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार सिंगा पर अश्लीलता फैलाने और गन कल्चर ग्लोरीफाई करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। ये केस थाना सिटी कपूरथला की पुलिस ने दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि भीमराव युवा फोर्स के अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने गायक सिंगा सहित 5 लोगों को नामजद किया है, जिसमें सिंगा के अलावा प्रोड्यूसर बिग के सिंह, डायरेक्टर अमनदीप सिंह, वीरून वर्मा, सोनू गिल, डीओपी और गाने की एडिटिंग करने वाले जतिन अरोड़ा को नामजद किया गया है। पुलिस ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। भीमराव युवा फोर्स के अध्यक्ष अमनदीप सहोता निवासी मोहल्ला शहरिया ने पुलिस को दर्ज करवाई रिपोर्ट में कहा है कि गायक मनप्रीत सिंह उर्फ सिंगा निवासी गांव जगनीवाल जिला होशियारपुर अपने गानों में हथियारों को प्रमोट कर पंजाब के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उकसा रहा है। अब उसने फिर से अपनी टीम प्रोड्यूसर बिग के सिंह, डायरेक्टर अमनदीप सिंह, डीओपी वरुण वर्मा उर्फ सोनू गिल और जतिन अरोड़ा के साथ मिलकर एक नया गीत स्टिल अलाइव लॉन्च किया है। सर, ये जी FIR अज तो 8 महीने पहला नवंबर महीने के SSP साहब को कपूरथला SSP साहब को मिले थे। इदा गाना लॉन्च होया उदो महीना की होया गाना लॉन्च हो उस टाइम असी मिले SSP साहब को कि यह गाना जोड़ा वा ये बहुत ज़्यादा लचरता वा, बहुत ज़्यादा गलत बोलिया जा रहा, जी वर्डिंग वो इदा द यूज़ की जा रही कि आम घर असी जो साढ़े बच्चे वो वर्डिंग बोलन तो उन्होंने कुटमार तक जाते, ब माँ प्यो उन्होंने सुधारण वास्ते कुटमार तक करते हैं। हुण सानू इतराज इस गल दा सीगा बच्चे जिहड़े आ सोशल मीडिया तो ज़्यादा सीखते पे, किताबों तो घट सीखते पे। लॉकडाउन तो बाद जिन्ने बच्चे आ सारे मोबाइलों पर क्लासा ला रहे थे और मोबाइलों पर क्लासा लाने उपरंत वो मोबाइल इन्ने वधिया तरीके सीख चुके चलाना कि अज सारा मोबाइल चलाना जानते और कल्ला कल्ला गाना मूँह जवानी रटिया होगा। मैं एक गल जानता बच्चों नूं पंजाबी घर दे विच कि हर थां ते जिन्ने छोटे बच्चे हो अज साडे नालों एडवांस आ और गले कले गाले नूं गाने नूं मूँह जवानी रटे हुए आ और जिदा दी इहने वर्डिंग वरती सीगी आने वाले समय से यही वर्डिंग जिहड़ी बच्चों के मूँह ते चढ़ी होनी सी उहदे नाल साडे घरां दा माहौल जो खराब होना सी, साडे घरां दे विच किहो जिहा माहौल होना सी जो उहने वर्डिंग वरती आ। और मैनूं कहन लगे वी शर्म आ रही आ इहो जिहे सिंगरां नूं जे ऐसे इहो जिहे सिंगर जिहड़े जिन्हां ने समाज नूं कोई सेध देनी आ, सिख्या देनी, जे अज रब ने मैनू माण बख्शिया जा किसी नू माण बख्शदा इहदा मतलब यह नहीं कि मैं लोगों नू घराहे ते पावां गलत रहे। पंजाबी चैनलों पर चल रहे इस गीत में पूरी अभद्रता और अश्लीलता से भरी हुई है और आपत्तिजनक शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पंजाबी गायक समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि 2 साल पहले साइबर सेल मोहाली ने सिंगा और उसके साथी जगप्रीत सिंह उर्फ जग्गी के खिलाफ वायरल वीडियो के आधार पर आईपीसी की धारा 336 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में सेशन कोर्ट ने सिंगा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। ये सिंगर हैगा सिंगा ये खिलाफ एक दरखास्त अमनदीप सोता वालों SSP साहब दी गई थी जिसकी पड़ताल तो बाद सिंगा ते FIR दर्ज रजिस्टर की गई है। FIR नंबर 221/23 294 ते 120 भी IPCC तहत जी है 5 जने के खिलाफ जी है FIR दर्ज रजिस्टर तो हैगा स्टिल अलाइव। वो इन्होंने काफ़ी जोड़े है अश्लील शब्दों की वरतों भी की है तो हथियारों भी प्रमोट किया है उदा करके इस जोड़ा है इन्होंने खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पंजाबी गायक सिंगा पर मामले की जांच अब फिलहाल कपूरथला पुलिस कर रही है। हथियारों और अश्लील शब्दावली के कारण ये मामला दर्ज किया गया है।